Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. लालू प्रसाद यादव के नामांकन करने की बात सुनकर चौंकिए मत। ये आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव नहीं है जो चारा घोटाले के मामले में झारखंड की जेल में बंद है, जिनको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जा चुका है, बल्कि ये लालू प्रसाद यादव के हम नाम लालू हैं, जो सभी चुनाव में अपना हाथ आजमाते रहते हैं। सारण जिले के मढ़ौरा प्रखंड निवासी लालू प्रसाद यादव ने बिहार विधान परिषद के लिए हो रहे चुनाव में नामांकन किया है। लालू ने बुधवार को सबसे पहले अपना पर्चा दाखिल किया। निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी सारण के समक्ष उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हमनाम होने और उनके ही राजनीतिक कर्मस्थली सारण का निवासी होने से मीडिया के लिए हर बार ये खबर बन जाते हैं। ये अलग बात है कि किसी भी चुनाव में इनको जीत का स्वाद नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद इनके हौसले में कोई भी कमी नहीं आई। इनका कहना है कि एक न एक दिन जनता इनके संघर्ष को पहचान देकर अवश्य जिताएगी। इनका ये भी कहना है कि आरजेडी सुप्रीमो के हमनाम होने का इनको कोई लाभ नहीं मिला। ये अपने क्षेत्र में लोगों की मदद करके सेवा करने का काम करते हैं। एक बार फिर आप चुनाव मैदान में आ गए हैं, क्या कहेंगे कि हर बार आप चुनाव मैदान में आते हैं लेकिन विजय आपको नहीं मिलती है, फिर भी आपका हौसला बुलंद है, क्या कहेंगे? जनता का सहयोग मिलता है, कभी न कभी जनता हम पर विचार करेगी। तो क्या सोच के आप चुनाव लड़ते हैं? हर चुनाव हम सोच करके चुनाव जीतेंगे तो पब्लिक का, जनता का सेवा जो होगा हमसे करेंगे, अभी भी कर रहे हैं, उस समय भी करेंगे। आपका नाम लालू प्रसाद यादव है और बिहार के और देश के बहुत बड़े नेता का नाम भी आपके नाम से मिलता है, तो इस नाम का आपको कितना फायदा मिलता है? उसके नाम से कोई मतलब नहीं है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो समाज सेवा है उससे हमको लाभ मिलता है। जब चुनाव आप जीत लड़ते हैं तो क्षेत्र में क्या, किस तरह से आप लोगों को अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करते हैं? घूमते हैं, जनता से अपना सब पक्ष रखते हैं, जो आपका कार्य किए हैं उसके अनुसार हमको सहयोग कीजिए। जनता कर्तव्य करती है, लेकिन बीच में कोई ना कोई एथी आता है, उसके चलते पार्टी पॉलिटिक्स के एथी में कुछ लोग भुला जाता है। इनका कहना है कि चुनाव में जमानत के रूप में लगने वाली रकम भी ये जनता के सहयोग से ही जमा करते हैं। चुनाव जब लड़ते हैं तो उसमें अच्छी खासी राशि भी लगती है जमानत के रूप में, और अभी तक जो रिजल्ट आया आपके पक्ष में नहीं आया है, तो जमानत भी संभवतः जब्त हो गया होगा आपका, तो आखिर इतना पैसा कैसे प्रबंध करते हैं आप? वही अपने खेती की गृहस्थी कर और का, मतलब जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं? जी नहीं। हाँ जी नहीं। क्या सोच है? जब तक आपको जीत नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेंगे, लड़ते रहेंगे चुनाव। जी, लड़ते रहेंगे। लोकसभा चुनाव में कितना वोट आया था आपको? 14,000 लम समय। और विधानसभा चुनाव में? 45,000। सारण के जिलाधिकारी राजेश मीना ने बताया कि बुधवार के दिन यानी कि नामांकन के पहले दिन मात्र एक ही पर्चा निर्दलीय प्रत्याशी ने दाखिल किया। आज से एमएलसी चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज पहला दिन नॉमिनेशन का था और आज एक कैंडिडेट के द्वारा अपना नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल किए गए हैं, तो यही अपडेट है। जो कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। बता दें कि सारण प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल करने का काम बुधवार से शुरू हुआ और पहले ही दिन लालू के हमनाम प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया। देखना होगा कि जब नतीजे आएंगे तो इस बार क्या लालू इतिहास को पीछे छोड़ते हुए जीत दर्ज कर पाएंगे या फिर हार का स्वाद ही चखना पड़ेगा। सारण से संवाददाता आलोक कुमार जायसवाल की रिपोर्ट।